हेलो, जी बोलिए। हाँ आप धर्मवीर जी बोल रहे हैं ना? बोलिए। हाँ अच्छा, ये ज्योति मोर्या के जो आप गाना बनाए थे, एक लड़की आपको आ रही थी, उसने धमकी दे रही थी, जी मैडम। उस लड़की को जानते हैं क्या यार? अगर नहीं हम नहीं जानते। वो धमकी दे रही थी आपको, तो उसको 10 गाली आपको उससे देना चाहिए था। उस लड़की को क्या चाहिए, दस गालियां देना चाहिए था। क्या यानी ज्योति क्या मौर्या की दिमाग की वो भी है। अच्छा, होता है ना मैडम, थोड़ा सा हम लोग कलाकार आदमी हैं, अपने तरीका से किसी से झगड़ना नहीं चाहते हैं और हमेशा देखिए, मुंह। आप कलाकार हैं, हम भी लोग जान रहे हैं, हम आप लोग का सपोर्ट हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग सिंगर हैं, लेकिन जी उतनी फुर्ती लड़की है जो एक गंदी लड़की के साथ दे रही है। साथ नहीं देख रहे हैं ना सारा चीज, कितना जबरदस्ती से बतिया रही थी सारा बात। बहुत जबरदस्ती बात कर रही है, हम सुने हैं ना, अगर मेरे पास होती तो उसको थप्पड़ थप्पड़ मारे होते। बताइए सारा चीज अच्छा से हम बात कर देखिए, एक रहे बात आप लोग करिएगा, पर मैं हम बता रहे हैं तुमको, किसी थे। जी के धमकाने से, किसी के डर जाने से ये नहीं है कि आप लोग अपना ये रोक देंगे, ठीक। क्यों रुकेंगे, होता क्या ना उसको मैडम जब कि तक अच्छा आप लोग चीज। गाइए, जितना उसको करना उतना करिए, आलोक जो है उसको न्याय दिलाइए आप लोग, ठीक। बात और खुशी मिलेगी, आप एक औरत होगी, इनका समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और आप सही के साथ हैं। ये खुशी हुआ हमें कि आप मुझे कॉल किए और इस बातों पे सही का साथ आप भी दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। देखिए हम देखें कि आपको धमकी दे रही है। खुशी होता है ना, आप भी एक औरत हैं, फिर भी आप औरत का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं, जो सही है उसका साथ दे रहे हैं, तो खुशी मिलती है। और वही देखिए एक औरत कॉल करके कैसे क्या बोली, और शायद वो उसी करेक्टर की होगी, ज्योति मोड़िया जी के करेक्टर की ही होंगी, इसीलिए उनको बुरा लगा था। लेकिन खुशी हुआ कि एक औरत भी सपोर्ट करता है किसी मर्द का, जब औरत गलत हो तो गलत बोलता है, वैसे लोग नहीं बोलता है, औरत सब हमेशा चाहता है कि नहीं मैं औरत का ही सपोर्ट करूं, लेकिन आप एक मर्द का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि औरत वहां गलत है, तो ये तो अच्छी भैया, हम बात। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 100% जो आलोक जी है, आलोक जी 100% सही है, ठीक है। हम इसलिए उनकी साथ दे रहे हैं और इसलिए उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और आप इसके फिक्र में मत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग भी आप लोग का भी सपोर्ट करेंगे। जो धमकियां दे रही हैं, यानी वो लगता है कि ज्योति मोरे की दिमाग की हुई है, वो भी है, ठीक। तो देखे ही होंगे, सुने होंगे कॉल रिकॉर्डिंग, तो सारा चीज तो सुनबे किए होंगे आप, लेकिन बहुत ज्यादा ही धमकी मिला वो चीज, सारा चीज है कि ये करेंगे वो करेंगे, वो बोलती है कि हम नहीं पहचानते हैं कि आलोक जी को या इसको SDM ज्योति मोड़िया जी को हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में बात कर रही है, तो मुझे उससे लगा कि कहीं ना कहीं वो उनकी उनको जानती होगी। और पता है बहुत सारा आदमी नंबर मांग रहा है उनका कि भैया आप उनका नंबर दो, लेकिन हम इतना समझदार हैं कि हम उनका नंबर किसी को नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी, हजारों आदमी उसको कॉल करने लगेगा, हम किसी का नंबर नहीं दे रहे हैं, हम इतना अभी भी उसको इतना सोच रहे हैं कि नहीं वो बेचारी लड़की है, उसे कोई परेशान नहीं करें, लेकिन उसका सोच देखे ना आप क्या बोल रही है कि हमें बिहार अरे आने तो में काम नहीं लगेगा। आप सोच रहे हैं ना कि वो लड़की है तो बिज्जत हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो लेकिन वो तो बताइए, लड़की होकर भी इतना घटिया लड़की की साथ दे रही है। वही चीज है ना, आप बताइए एक चीज, वो बोल रही है कि मुझे बिहार आने में टाइम नहीं लगेगा, समझ सकते हैं आप, और धमकी। बिहार आकर क्या करेगी वो, बिहार आकर क्या करेगी, आपको मरवा देगी, क्या करेगी वो? यानी ज्योति मोर्या के दिमाग की वो भी है जो आपको धमकी दे रही है वो, यही चीज सब है। चलिए अच्छा लगा, आप वो भी आपको लोग धमकी दे रही है। का सपोर्ट होना चाहिए, आप लोग का समर्थन होना चाहिए, अगर हमें कुछ होता है तो सारा चीज हम डालेंगे सोशल साइट पे ही डालेंगे, और आप लोग वहां से देखिएगा और जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में वो पावर है जो आज आलोक जी अपना आवाज उठा रहे हैं, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आलोक जी अपना आवाज उठा नहीं पाते, है कि नहीं। देखिए, अगर आलोक जी को मतलब उनको न्याय नहीं मिलेगा तो मर्द को जो औरत प्रति विश्वास और भरोसा सब हट जाएगा, ठीक है ना, सब वो तो न्याय हट मिलेगा जाएगा। ही, क्योंकि हर चीज सामने है, लोगों के सामने है, और दुआ करते हैं हम लोग भगवान से कि मतलब न्याय मिलना चाहिए। कारण देखिए, चाहे आलोक जी और उनकी पत्नी के बीच में कैसे क्या हम लोग नहीं जानते हैं, जो चल रहा है मार्केट में वही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हाँ, वो कोई तो भी बात सही पति है। अपने पत्नी को बदनाम करना नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता है, पत्नी चाह देता है कभी कभी, हाँ लेकिन पति नहीं चाहता है कि मेरी इज्जत, पत्नी इज्जत होता है मर्द का, है कि नहीं। हाँ ये तो बात है, सही है। आप खुद एक लड़की हैं, आप खुद समझते होंगे कि आप अपने घर के, अभी मान लीजिए अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अपने घर की इज्जत होंगे अभी आप, अगर आपका शादी हो जाता है तो आप अपने हस्बैंड की इज्जत हो जाते हैं, उनका पगड़ी रखने वाले हो जाते हैं, मान सम्मान रखने वाले हो हाँ, वो जाते तो हैं, है कि बात नहीं। है।
चलिए, हाँ अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका समर्थन मिला मुझे और बहुत सारे आदमी का समर्थन मिल रहा है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद, और आपका सहयोग, आपका सपोर्ट बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।